जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ साथ दोहात करने पर कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती है। लेकिन अगर असफलता से पैदा हुए अवसाद से उबरने में एक पल की भी देरी होती है तो परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्य शुक्रवार को नागपुर के SFS कॉलेज में हुआ। BCA से द्वितीय वर्ष का छात्र शिवम कटरे परीक्षा समाप्त करते ही कक्षा के बाहर की गैलरी से कूद गया। मौजूद लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कूदने से पहले उसने पेट्रोल भी पी लिया था। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे की है। शिवम नीचे जमीन पर गिरने के बाद 15 मिनट तक वही पड़ा रहा और उसके दोस्त पूछ रहे थे कि क्या किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार है या नहीं। बाद में छात्रों और कुछ शिक्षकों ने शिवम को मनकापुर के एलेक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया। शिवम ने दोपहर 3 बजे तक अपने परिवार से बात की। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि उस समय उन्होंने अपने पिता से आखिरी शब्द कहे थे, पापा मुझे माफ़ करो, आपने मेरे लिए बहुत किया है, अब मुझे जीना नहीं है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र और समाजसेवी अस्पताल में जमा हुए। इसके बाद खबर है कि शाम करीब 7:30 बजे कॉलेज के प्राचार्य आए। छात्रों और नागरिकों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि प्राचार्य ने अपने कॉलेज में घटना होने के बावजूद अस्पताल पहुंचने में देरी की। मिली जानकारी के अनुसार लड़की के पिता बिजली की फिटिंग का काम करते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और छात्र के खास दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभात अग्रवाल ने जवाब दिया कि अगर घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज मिलता तो छात्र की जान बचाई जा सकती थी। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।